मत्ती की इंजील और उसका 23वां बाब जो 39 आयात पर मुश्तमिल है। उस वक्त यीशु ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कही कि फकी और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने को करते हैं, क्योंकि वो अपने तावीज बड़े बनाते और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं, और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियाँ और बाज़ारों में सलाम और आदमियों से रबी कहलाना पसंद करते हैं। मगर तुम रबी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है और तुम सब भाई हो। और ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है। और ना तुम हादी कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा हादी एक ही है यानी मसीह। लेकिन जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादिम बने, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ऐ रियाकार फकीह और फरीसियो, तुम पर अफसोस कि आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करते हो, क्योंकि ना तो आप दाखिल होते हो और ना दाखिल होने वालों को दाखिल होने देते हो। ऐ रियाकार फकीह और फरीसियो, तुम पर अफसोस कि तुम बेवाओं के घरों को दबा बैठते हो और दिखावे के लिए नमाज को तूल देते हो, तुम्हें ज्यादा सजा होगी। ऐ रियाकार फकीह और फरीसियो, तुम पर अफसोस कि एक मुरीद करने के लिए तरी और खुशकी का दौरा करते हो, और जब वो मुरीद हो चुकता है तो उसे अपने से दूना जहन्नम का फर्जंद बना देते हो। ऐ अंधे राह बताने वालों, तुम पर अफसोस जो कहते हो कि अगर कोई मकदिस की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन अगर मकदिस के सोने की कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। ऐ अहमको और अंधो, सोना बड़ा है या मकदिस जिसने सोने को मुकद्दस किया? और फिर कहते हो कि अगर कोई कुर्बानगाह की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन जो नजर उस पर चढ़ी हो अगर उसकी कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। ऐ अंधो, नजर बड़ी है या कुर्बानगाह जो नजर को मुकद्दस करती है? बस जो कुर्बानगाह की कसम खाता है वो उसकी और उन सब चीजों की जो उसमें है कसम खाता है, और जो मकदिस की कसम खाता है वो उसकी और उसके रहने वाले की कसम खाता है, और जो आसमान की कसम खाता है वो खुदा के तख्त की और उस पर बैठने वाले की कसम खाता है। ऐ रियाकार फकीह और फरीसियो, तुम पर अफसोस के पुदीने और सौंफ और जीरे पर तो दैयकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। ऐ अंधे राह बताने वालों, जो मच्छर को तो छांटते हो और ऊंट को निगल जाते हो। ऐ रियाकार फकीह और फरीसियो, तुम पर अफसोस के प्याले और रकाबी को ऊपर से साफ करते हो, मगर वो अंदर लूट और नापरहेजगारी से भरे हैं। ऐ अंधे फरीसी, पहले प्याले और रकाबी को अंदर से साफ कर, ताकि ऊपर से भी साफ हो जाए। ऐ रियाकार फकीह और फरीसियो, तुम पर अफसोस कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानिंद हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजासत से भरी हैं। इसी तरह तुम भी जाहिर में तो लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो, मगर बातिन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो। ऐ रियाकार फकीह और फरीसियो, तुम पर अफसोस कि नबियों की कब्रें बनाते और रास्तबाजों के मकबरे आरास्ता करते हो, और कहते हो कि अगर हम अपने बाप दादा के ज़माने में होते तो नबियों के खून में उनके शरीक ना होते। इस तरह तुम अपनी निस्बत गवाही देते हो कि तुम नबियों के कातिलों के फर्जंद हो। गर्ज अपने बाप दादा का पैमाना भर दो। ऐ सांपो, ऐ अफई के बच्चो, तुम जहन्नम की सजा से क्यों कर बचोगे? इसलिए देखो, मैं नबियों और दानाओं और फकीहों को तुम्हारे पास भेजता हूं, उनमें से तुम बास को कत्ल और मसलूब करोगे, और बाज को अपने इबादत खानों में कोड़े मारोगे, और शहर ब शहर सताते फिरोगे, ताकि सब रास्तबाजों का खून जो जमीन पर बहाया गया तुम पर आए। रास्तबाज हाबिल के खून से लेकर
बरकिया के बेटे जकरिया के खून तक, जिसे तुमने मकदिस और कुर्बान गाह के दरमियान कत्ल किया। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ये सब कुछ इस जमाने के लोगों पर आएगा। ऐ यरूशलीम, ऐ यरूशलीम, तू जो नबियों को कत्ल करता और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करता है, कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से मुझे फिर हरगिज ना देखोगे जब तक ना कहोगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है।